राजस्थान में बंद रहेगा एक हाईवे, क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं। 4 दिन उस हाईवे पर नहीं चलेंगे वाहन, क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं। सीएम गहलोत ने क्यों लिया ऐसा फैसला? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों, शहरों, कस्बों और गांवों को पार करते हुए बहुत जल्द मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करने जा रही है। इसकी धमक राजस्थान में अभी से महसूस की जाने लगी है। तमाम जरूरी तैयारियां की जा रही हैं और इस यात्रा को सुगम बनाने और अड़चन मुक्त बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिस पर सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान में राहुल गांधी की शुरू होने वाली यात्रा के लिए सड़कों के रूट डाइवर्जन किए गए हैं। इसकी वजह से लगभग 5 दिनों तक सफर करने वालों को कुछ परेशानी हो सकती है। राजस्थान के कोटा से झालावाड़ के बीच सफर करने वाले लोगों को 4 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस रूट पर कोटा झालावाड़ के बीच नेशनल हाईवे 52 को बंद रखा जाएगा। ऐसे में इस मार्ग की जगह ट्रैफिक को कोटा बराखानपुर झालावाड़ के रास्ते होकर गुजरना पड़ेगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्दी ही मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। इसके लिए राजस्थान में यात्रा का रूट भी फाइनल हो चुका है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश से झालावाड़ जिले में प्रवेश करेगी और 7 दिसंबर को कोटा सिटी पहुंचेगी। ये यात्रा कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 से होकर गुजरेगी। इसी के चलते प्रशासन ने नेशनल हाईवे पर डाइवर्ट की योजना बनाई है। जिस दिन यात्रा झालावाड़ में 4 दिसंबर को आएगी, उसी दिन कोटा से झालावाड़ यह सड़क मार्ग बंद रखा जाएगा। 8 दिसंबर को यात्रा हाईवे से निकलेगी, इसके बाद रूट को फिर से खोला जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किए गए इंतजाम पर राजस्थान बीजेपी के नेता मुकुट नागर ने इससे होने वाली असुविधा को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये पदयात्रा पब्लिक को परेशान करने वाली है। कोई भी यात्रा निकलती है तो सड़क की एक साइड से होकर निकलती है, लेकिन इस यात्रा के लिए रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी यात्रा निकालना जानबूझकर जनता को परेशान करने वाली बात है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि वो रूट डाइवर्ट की जानकारी आमजन को अपडेट करती रहेगी। आमजन को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए ट्रैफिक कांस्टेबल्स की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिस दिन इस रूट से भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी, उस दिन लोग कोटा बराखानपुर झालावाड़ से जा सकते हैं। इस रूट के जरिए उनकी यात्रा सुगम बनी रहेगी। 8 दिसंबर को बूंदी जिले से होती हुई ये यात्रा सवाई माधोपुर की तरफ निकल जाएगी। इसके बाद दौसा और फिर अलवर से होते हुए यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।